हेलो फ्रेंड्स आई एम सी ए निखिल सारडा एंड टुडे आई एम हियर टू शेयर सम फ्यू वर्ड्स विथ यू ऑन द ओकेशन ऑफ द सी ए डे एंड जी एस टी डे फ्रेंड्स मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ जो काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स बहुत सारे एंड आई एम सी ए निखिल सारडा एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट एट ईयर्स इन नागपुर एंड मैं जी एस टी टैक्सेशन, जीएसटी एंड इकोनॉमिक्स ये मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड्स आज एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सीए इंटर के बारे में मेन बेसिकली ये सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए है सीए इंटर के अंदर बेटा जो पेपर फोर टैक्सेशन है ग्रुप वन के अंदर वो टैक्सेशन के अंदर सिक्सटी मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है एंड फोर्टी मार्क्स का जो है वो जी पोर्शन है मैंने काफ़ी मेरे जी एस क्यों है सबसे पहले आज इस डे मैं आपको बता 2017 में जीएसटी आया था तीन साल आज जीएसटी को हो चुके हैं आज हमने तीन साल कंप्लीट कर लिए 18, 19, 20। टुडे वी आर इन फर्स्ट जुलाई 2020 में आज जीएसटी को टोटल तीन साल कंप्लीट हो गए जीएसटी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है जीएसटी का रेवेन्यू तो आपने सुना ही सुना ही होगा गवर्नमेंट को ह्यूज रेवेन्यू आता है जीएसटी का लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज पर मंथ और वन नेशन वन टैक्स हालांकि पांच एक्ट है अलग अलग सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी यूटी जी एस टी एन जी एस टी सी कंपेक्ट इसमें टोटल देखा जाए तो पांच एक्ट है लेकिन फिर भी ये वन टैक्स कहलाता है बराबर है बराबर बेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों के लिए एज ए बींग सी इंटर स्टूडेंट जब आपको सीए फाइनल में जाना पड़ेगा तो पूरा जीएसटी का एक पेपर है पेपर एट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का जिसमें जीएसटी और कस्टम्स है तो ये जो आप इंटर में पढ़ोगे बेटा इट इज द बेस इट इज वॉट इट इज द बेस फॉर योर सी ए फाइनल एग्जामिनेशन एंड रिमेंबर जैसे ही आप जीएसटी पढ़ के अपनी आर्टिकल शिप स्टार्ट करोगे अगर आपका जीएसटी स्ट्रांग है तो यही आप जहां भी आर्टिकलशिप करोगे जीएसटी का प्रैक्टिसिंग एरिया लगभग हर ऑफिस के अंदर है और आपको यह चीज प्रैक्टिकली सब कुछ देखने मिलेगी और जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं वो सारी चीजें मैं काफी चीजें उसमें से कवर करने की कोशिश करता हूं चलिए ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन और जीएसटी के बारे में आप लोगों को बताया मैंने जीएसटी इंपॉर्टेंट क्यों है और सबसे जरूरी चीज आपको पता होगा जीएसटी फोर्टी मार्क्स का आता है आपके सी इंटर के सिलेबस में और बेटा ये जीएसटी स्कोरिंग है स्कोरिंग ऐसे है कि डायरेक्ट डायरेक्टन के क्वेश्चंस मार्क मार्क के के भी आते, के भी आते आते हैं हैं और उसमें पूरे पांचों हेड का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है पूरा असेसमेंट वगैरह ऐसा जीएसटी में नहीं होता बेटा जीएसटी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन आते हैं तीन मार्क पांच मार्क चार मार्क के दो मार्क के और ये स्कोर करना काफी इजी रहता है तो मेरा कहना यह है बेटा फोर्टी मार्क्स का 40 मार्क्स का जो आपका जीएसटी आता है उसमें से अगर आपको 30 टू 35 मार्क्स जो कि इजीली मिल सकते हैं वो मिल जाते हैं तो आपको टैक्सेशन में एग्जेपन मिलना लगभग तय हो जाता है और एग्जामेशन अगर टैक्सेशन में मिल गया तो आपका पूरा ग्रुप और पेपर पेपर फोर तो एग्जाम पेपर फोर को तो प्रॉब्लम ही नहीं है वो तो एग्जाम ही साथ में पूरा ग्रुप के अंदर भी बहुत हेल्प हो जाती है दूसरे सब्जेक्ट्स में कंपेरेटिवली

टैक्सेशन तो ठीक है बट सर जीएसटी पूरा उड़ गया जीएसटी हमारा अच्छे से नहीं हुआ हम पढ़ नहीं पाए वॉट एवर मे बी द रीजन जीएसटी सर वीक रह गया और सर हम टैक्स के भरोसे काम हो जाएगा क्या मतलब बिल्कुल नहीं होगा जीएसटी वीक रह गया और आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट टैक्स भरोसे आप एग्जाम क्लियर कर लोगे एग्जामिशन ला लोगे तो इट्स बल जीएसटी का बेस है बेटा सी ए इंटर के अंदर बहुत अच्छे से होना बहुत जरूरी है तो इसीलिए जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट ऑन दिस सी ए डे आई एम लॉन्चिंग माई जीएसटी पेन ड्राइव जो करीब ट्वेंटी सेवन लेक्चर्स का है जो आपको टोटल 55 फाइव आवर्स का इसका कोर्स ड्यूरेशन है इसकी वैलिडिटी आपको सिक्स मंथ्स की मिलेगी एंड टू टाइम्स व्यू मिलेगा और बेटा ये अपलिकेबल फॉर ऑगस्ट एंड नवंबर 2020 एग्जामिनेशन इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट का बेनिफिट क्या सर आप बोल तो रहे हो स्टूडेंट का बेनिफिट है कि जो चार का पेन ड्राइव है ये स्टूडेंट्स को सिर्फ फिफ्टीन हंड्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट दिया जा रहा है इसमें कोई कमाना माना मालिफाइड इंटेंशन कोई गलत है ना कमाना कोई प्रॉफिट करना मेरा मोटिव नहीं है तो हमने ऐसा डिसाइड किया कि सी पे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए सी इंटर के स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी परेशान है जी के कारण जो उनको बहुत तकलीफ जा रही है तो इसलिए मैंने ये सोचा कि विदाउट एनी कॉस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट उनको ये दिया जाए तो इट्स ऑफ दिस ऑफर इज एप्लीकेबल फॉर अर्ली टोटल फिफ्टी अर्ली फिफ्टी बर्ड्स एंड उसके बाद ये ऑफर रहेगा कि लैप्स हो जाएगा ये मुझे भी नहीं पता अभी लेकिन ये फर्स्ट 50 लोगों के लिए ये फिफ्टी हंड्रेड के अंदर जीएसटी का पेन ड्राइव आप लोगों को मिल जाएगा मिटकर सर स्कैप्स ऑफिस में आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके कहीं पर भी जहां भी आपको बेटा कुरियर भी कर दिया जाएगा और विथ हार्ड कॉपी नोट्स आपको नोट्स मिलेंगे साथ में फिफ्टीन हंड्रेड में आपको ये सब कुछ दिया जाएगा साथ ही साथ जीएसटी इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि नियर फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स भी लगाती है, जो का कहा जाता है तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों जीएसटी की प्रैक्टिस आप सोच नहीं सकते इतने गुना बढ़ जाएंगे ठीक है और इस पेनड्राइव में मैंने एक चैप्टर में यह भी बताया था कि जीएसटी की प्रैक्टिस कितने कितने रिटर्न जाते हैं क्या क्या बहुत सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड है तो मैं चाहूंगा आप लोग इसका बेनिफिट लीजिए आप लोगों को बहुत फ़ायदा रहेगा और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो भी जीएसटी के आपके डाउट्स हैं उसके लिए मैं हमेशा बैठा हूँ आई एम ट्वेंटी फोर आवर्स ओपन टू ऑल द स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स और आप कभी भी मुझसे व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट पूछ सकते हो मैं क्लियर करता हूँ ये मेरे काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम भी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा अब हम सर ये पेंट्रेक क्यों लें कैसे देखें सर आप कैसा पढ़ाते हो तो जो लोग मुझे जानते हैं उनका तो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो लोग नहीं जानते बेटा आप मेरे चैनल पे निखिल सारडा ये निखिल सारडा चैनल यूट्यूब पे इसके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है चैप्टर वन और चैप्टर टू टोटल टेन चैप्टर है आपके सिलेबस में इसमें चैप्टर वन और चैप्टर टू का डेमो यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप डेमो देख सकते हो जिसमें दो इंपॉर्टेंट चैप्टर एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर और दूसरा सप्लाई जैसा बड़ा चैप्टर मैंने कवर किया है तो ये डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है ये कैप्स के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है आप बिल्कुल इसको देख सकते हो और उसके बाद ही आप इसको परचेज कीजिए लेकिन एक चीज ध्यान रखना है ये ओनली फर्स्ट फिफ्टी पहले पचास लोगों के लिए ऑफर हमने दिया है ऑन द ओकेजन ऑफ जीएसटी डे इसके बाद ऑफर रहेगा कि नहीं है मैं अभी आपको कुछ कमिट नहीं कर सकता ठीक है बेटा थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बाय